हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द अनदर टॉपिक बॉयंसी। सो व्हाट इज बॉयंसी? सो बिफोर अंडरस्टैंड द बॉयंसी, वी हैव टू अंडरस्टैंड बॉयंट फोर्स। सो व्हाट इज बॉयंट फोर्स? लेट्स सी, द बॉयंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फ्लूड। व्हाट इज दैट? कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर डालते हो या फ्लूइड में डालते हो, तो उस फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। दैट इज़ कॉल्ड बॉयंट फोर्स, राइट? एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट फ्लूइड ड्यू टू दैट बॉयंट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंसी। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज इफ वी हैव अ कंटेनर, ओके, suppose this side of this container is open, we have to rub this and we have some liquid in it. Suppose we have water, this container is half filled by water, okay? And now suppose we have an object, we will choose an object with different color. We have an object like suppose we have a box, right? And if we put this box on this liquid or on this fluid, so what we see that this liquid applies some upward force on this object in upward direction, this force, right? Okay students, and so this force is called buoyant force, right? So we have written in our definition that what is buoyant force. The buoyant force is the upward force on any object in any fluid. That means the fluid apply a upward force on any object when that object is immersed or put on that liquid or fluid, right? Okay, so what are the now what are the properties of buoyant force? Or sometimes we have seen that the object is, sometimes object क्या करता है, फ्लूड के ऊपर फ्लो करता है, sometimes वो सिंक हो जाता है, उसके अंदर डूब जाता है, right? So वो किसकी वजह से होता है? This is due to buoyant force. क्यों होता है, कैसे होता है, वो वी विल डिस्कस दिस इन दीज गिवन टॉपिक्स। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट इज, इफ द बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट्स ऑब्जेक्ट्स वेट, द ऑब्जेक्ट राइजेस टू द सरफेस एंड फ्लोट्स। अगर आपका जो बॉयंट फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा है, दैट मीन्स जो फ्लूइड है वो अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है एज कम्पेयर टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट? वेट इज़ डब्ल्यू इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? एंड व्हाट इज़ बॉयंट फोर्स? बॉयंट फोर्स कैसे निकालते हैं? एफ इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे? प्रेशर ऑफ दैट फोर्स इनटू एरिया ऑफ द सरफेस विच इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लूइड, right? And that buoyant force is perpendicular to that surface. Okay, so if this weight of the object is greater than, sorry, if the force, this force is greater than this weight, then the object rise to surface. The object क्या होता है? Surface से ऊपर उठ जाता है and fluid के ऊपर तैरना start कर देता है। Clear? Your next topic, next point is, if the buoyant force is less than the object's weight, the object sinks. अगर जो आपका buoyant force है F, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है object के weight से, तो object क्या होता है? Fluid के अंदर डूब जाता है, right? Okay, and the third point is, if the buoyant force equals the object's weight, the object can remain suspended as its present depth, right? कि अगर आपका जो buoyant force है, अगर वो
ऑब्जेक्ट्स के वेट के इक्वल रहता है, तो जिस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट पहले था वो उसी कंडीशन में एज इट इज़ रहता है, यानी प्रेजेंट डेप्थ में ही रहता है. ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉयंट फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट वेदर द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, सिंक और इज सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड. कि बॉयंट फोर्स जो है वो हमेशा अप्लाई होता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, या तो आपका ऑब्जेक्ट फ्लूइड के ऊपर तैर रहा हो, या फिर वो अंदर डूब गया हो, या फिर वो सस्पेंडेड हो, दैट मीन्स हाफ वो फ्लूइड के अंदर हो, हाफ वो फ्लूइड से बाहर हो. हर तीनों केसेस में आपका बॉयंट फोर्स, दैट मीन्स जो फ्लूइड है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. ओके ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो व्हाट इज दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल? लेट्स सी, द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस इन इक्वेशन. पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, व्हाट इज दैट लाइन? द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस. कि किसी ऑब्जेक्ट में जो बॉयंट फोर्स होता है वो कितना होता है, वो उसके इक्वल होता है जितना ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के अंदर जाने पे, जितना अमाउंट वो फ्लूइड का वहाँ से हटाता है. सपोज करो ऐसे ही आपके पास ये एक कंटेनर है जिसमें क्या फ्लूइड फिल है, कोई भी वाटर, सपोज वाटर भरा हुआ है इसके अंदर. ये आपका क्या है, इसमें ऐसे ऐसे करके इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है. तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालते हो, सपोज आपका ऑब्जेक्ट आधा पानी के अंदर है और आधा पानी से ऊपर है, राइट? तो ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट? देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट इस पानी के अंदर जाएगा तो ये उस जगह से पानी को हटा देगा, राइट? और इस पानी की जगह ले लेगा. तो ये जो बॉयंट फोर्स होता है ये कितना होता है, ये उसके इक्वल होगा, इस वेट के इक्वल होगा जितना वाटर का वेट ये ऑब्जेक्ट हटाएगा, यानी जितना पानी ये बाहर निकाल देगा उसके इक्वल ही ये क्या होगा, आपका बॉयंट फोर्स होगा, राइट? अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे एफ बी. एफ बी क्यों लिखा हमने? बिकॉज ऑफ बॉयंट फोर्स इक्वल्स टू वाटर, सॉरी, वेट ऑफ फ्लूइड. डब्ल्यू और डब्ल्यू के सफिक्स में एफ एल लिखा हुआ है. दिस एफ एल मीन्स वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. जितना फ्लूइड ऑब्जेक्ट हटाएगा वहाँ से, क्योंकि वो पानी की जगह आ जाएगा ऑब्जेक्ट और आपका पानी वहाँ से हट जाएगा, तो जितना वेट आपके उस हटने वाले पानी का होगा वो किसके इक्वल होगा? बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा. क्लियर? वेयर, ऐसे ही हमने लिखा है, वेयर बी इज़ द बॉयंट, एफ बी इज़ द बॉयंट फोर्स एंड डब्ल्यू एफ एल इज़ द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट? ओके, चलिए आगे देखते हैं. सो टू अंडरस्टैंड ब्रीफली, अगर हम इसको ज़्यादा डेप्थ में जाने, क्या होता है, जस्ट थिंक अबाउट वॉट हैपन्स वेन अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज़ रिमूव फ्रॉम अ लिक्विड, फ्रॉम अ फ्लूइड. देखिए क्या होता है, जब आपको आपका जो डूबा हुआ, आधा डूबा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, इफ़ द ऑब्जेक्ट वर नॉट इन द फ्लूइड, अगर ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर नहीं है, द स्पेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइड वुड बी फिल्ड बाय फ्लूइड हैविंग अ वेट डब्ल्यू एफ एल. ओके, अगर देखो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर नहीं है, सो जब हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वो क्या कर लेता है, वो उस पानी का फ्लूइड का स्पेस ले लेता है, खुद वहाँ बैठ जाता है और जितने जितने प्लेस में वो आ सकता है वहाँ से उतना पानी हटा देता है, राइट? और सपोज़ उस पानी का जो वेट है, वो जो फ्लूइड हटाया, उस वाटर का जो फ्लूइड का जो वेट है वो कितना है, डब्ल्यू एफ एल है. दिस वेट इज़ सस्पेंडेड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड. अब अगर वो ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं था पहले, जो ऑब्जेक्ट क्या किया था हमने बाद में उसमें डाला था, अब सपोज करो कि वो ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं था या हमने उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा वहाँ से,
अब जितना जितना प्लेस उस ऑब्जेक्ट ने लिया हुआ था, अब अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से हटा दिया तो उस प्लेस पे वापस से वाटर आ जाएगा, पानी आ जाएगा। सो द बॉयन फोर्स मस्ट इक्वल एफ एल। सो इतना जितना वहाँ से हटाया गया था वो वाटर वहाँ पे उतना ही आ जाएगा। किसकी वजह से आएगा वो वाटर? क्योंकि वो जगह खाली हो जाएगी और जो वाटर है वो उस खाली प्लेस में वाटर पे ही फोर्स लगाएगा और वो वाटर फिर से वहाँ आ जाएगा, राइट? तो जितना वो फोर्स लगा के उतना ही वाटर आएगा ना वहाँ, उतना ही वेट का वाटर आएगा। तो वो वेट किसके इक्वल हो जाएगा? उस बॉयंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा, राइट? सो द वेट ऑफ द फ्लूड डब्ल्यू एफ एल क्या है? सो द बॉयंट फोर्स मस्ट बी इक्वल किसके? डब्ल्यू एफ एल। डब्ल्यू एफ एल के इक्वल हो जाएगा वॉट इज दैट? द वेट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं मुझे। ओके? मैसेज कर देना, अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो वो मेरे को मैसेज कर देना, आई विल क्लियर दैट। ओके? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।